तो हेलो जी, नमस्ते। मैं पूजा सिंह, अनुष्मान ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मखाने की सब्ज़ी। तो मखाने की सब्ज़ी मैं जैसे बनाती हूँ वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मखाने की सब्ज़ी बनाने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो मखाने की सब्ज़ी के लिए मैंने इस कटोरी से एक कटोरी मखाना ले लिया है। तो सबसे पहले हम मखाना को घी में थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये देखिए, और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसमें मैंने घी भी डाल दिया है। अब हम मखाने को रोस्ट कर लेते हैं। मैंने आँच एकदम धीमा रखा है। इसे हम 1 से 2 मिनट में रोस्ट कर लेंगे और इसे हम बाहर निकालेंगे। मैंने मखाना रोस्ट करके निकाल लिया है। इसके साथ इसमें मैं जो जो मसाले डालूंगी, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मसाले में हम डाल रहे हैं फोरन में जीरा, लगभग 4 हरी मिर्ची को मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का इधर चॉप किया है। इसके साथ साथ हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में मैं डाल रही हूँ वो साबुत सूखे मसाले हैं। तो मैं इसमें आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ और लगभग आधा चम्मच से थोड़ा कम ही मैंने मेथी लिया है। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले पाउडर। तो ये देखिए, इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है। इसके साथ मैंने एक बड़ा टमाटर को चॉप कर लिया है। इसके साथ मैंने ले लिया है कसूरी मेथी और साथ में मैंने एकदम फ्रेश क्रीम लगभग 2 चम्मच मैंने निकाल लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो सूखे खड़े मसाले हैं इसे मैं दरदरा करके कूट लूँगी। इधर मैंने गैस पे ऑलरेडी कढ़ाई चढ़ा हुआ था, मैंने इसमें तेल डाल दिया है। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल का यूज़ करें। तो हमारी तेल गर्म हो चुकी है। सबसे पहले हम डाल लेंगे जीरा और मिर्ची। तो ये देखिए, हमारा जीरा और मिर्ची भून चुका है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ प्याज। मैंने एक प्याज को चॉप करके रखा है। और इस प्याज के साथ ही हम ये जो साबुत मसाले हैं जिसे मैंने अभी दरदरा कर कूटा है ये भी डाल दूंगी ताकि साथ में ये भी भून जाए। अब प्याज का रंग थोड़ा हम चेंज होने देते हैं। तो ये देखिए, प्याज का रंग थोड़ा थोड़ा करके चेंज होने लगा है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ अदरक। हम 1 से 2 मिनट और भूनेंगे ताकि हमारी प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए, हमारा प्याज लगभग ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसी स्टेज पर इसमें डाल दूंगी सूखे मसाले जिसमें मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च रखा था। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी टमाटर। और साथ में डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। तो ये देखिए, मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। और अब इसे हम धीमी आंच पर लगभग 4 से 5 मिनट तक ढककर भूनेंगे। चलिए इसे ढक लेते हैं और आंच को धीमा कर लेते हैं। तो ये देखिए,
चार से पाँच मिनट हो चुके हैं और आँच को मैंने तेज कर दिया है और तेज आँच पे मैं इसे भून रही हूँ। तो तेज आँच पे हम लगभग एक मिनट और भून लेते हैं इसे। तो मसाले को मैंने एक मिनट तक तेज आँच पे भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मलाई। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल लें। तो जी मैंने पानी डालने के बाद इसे एक से दो मिनट के लिए तेज आंच पे रख दिया था ताकि इसमें उबाल आ जाए। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ मखाने और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी और आंच को मैं धीमा कर ले रही हूँ। अब इसे हम धीमी आंच पे बस दो से तीन मिनट और पकाएंगे। बस हमारी मखाने की सब्जी एकदम रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी मखाने की सब्जी एकदम रेडी है। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। तो मैं सब्जी प्लेट में निकाल रही हूँ। मैं इस तरह से थोड़ी देसी तरीके से मखाने की सब्जी बनाती हूँ। मैंने क्रीम ज़रूर डाला है, बस इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी हो जाए इसलिए मैंने डाला है। वो भी मैंने लगभग एक से दो चम्मच छोटी चम्मच से ही डाला है। एक बार आप मखाने की सब्जी इस तरह बना के ज़रूर देखें, आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। इसे आप रोटी चावल जिसके साथ आप खाना चाहें उसके साथ खा सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।